नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। 6 अगस्त 2019 को हम सब पूर्व श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज एवं भारत की सर्वप्रिय पद्मभूषण एवं भारतीय संस्कृति के पर्याय मृदुभाषी एवं ओजस्वी वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को 6 अगस्त को पहली पूर्ण तिथि पर सत्सर नमन एवं प्रणाम करता है पूरा भारत। आज पूरा भारत सुषमा स्वराज जी को याद कर रहा है, क्योंकि सुषमा स्वराज जी देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं भारत में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे जो है गरीबों के मसीहा के रूप में उभर कर आई, और दुख दर्द समझकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे गरीबों मजदूरों का भी जो है कार्य किए हैं, जिससे कि आज प्रशंसनीय योग्य है। पूर्व विदेश मंत्री उस भाजपा की वरिष्ठ नेत्री थी। आज 6 अगस्त श्रीमती सुषमा स्वराज जी को सत्सर नमन करता है पूरा भारत। आगे एक रिपोर्टिंग देखिए आर के रवि जी से। साथियों, मैं भाजपा मुखर्जी नगर मंडल महामंत्री आर के रवि आप सभी को नमस्कार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, देश की पूर्व विदेश मंत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी की आज पहली पुण्यतिथि है। सबसे पहले सुषमा जी को उनकी पहली पुण्यतिथि पर मेरा कोटि कोटि नमन। सुषमा स्वराज जी दुनिया के मंच पर भारत की मजबूत आवाज़ थी। उन्होंने देश की सेवा की और दुनिया में भारत के लिए मजबूत आवाज़ बनी। साथियों, आज पूरा देश सुषमा जी को याद कर रहा है। दरअसल सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री ही नहीं, बल्कि संसद में खड़े होकर बड़े से बड़े नेता को चुप करा देने वाली प्रखर नेता थी। सुषमा जी शब्दों की धनी नेत्री थी। जब वह संसद में किसी भी विषय पर बोलती थी तो विपक्ष भी बड़ा ध्यान देकर उसे सुनता था। जब वह संसद में किसी भी विषय पर बोलती थी तो जितनी अस्पष्टता उनके शब्दों में होती थी, उनका चेहरा भी उतना ही उदयीमान होता था। सुषमा स्वराज जी ने एक कुशल राजनीतिक के तौर पर देश विदेश में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उनके पुण्यतिथि पर मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, भावनाओं से ही संवेदना व्यक्त कर की जा सकती है। सुषमा स्वराज जी ने अपने कार्यकाल में हमेशा उन लोगों को मदद करने की कोशिश की जो कि विदेश में किसी न किसी कारणवश फंसा हुआ था, या फिर उन्हें बहुत मदद की ज़रूरत थी। लोगों को मदद के लिए सुषमा स्वराज जी हमेशा तैयार रहती थी। सुषमा स्वराज जी ऐसे लोगों के लिए भगवान के रूप में सामने आई। इनमें से एक मैं नाम लेना चाहूँगा, गीता, जिसे पाकिस्तान से भारत लाने के लिए सुषमा स्वराज जी ने जी जान लगा दी थी। साथियों, पाकिस्तान की एक सामाजिक संस्था में बचपन से रह रही मुक्त बधिर गीता के माता पिता के भारत में होने की जानकारी मिलने पर सुषमा स्वराज जी ने गीता को उसके माता पिता से मिलाने की वादा की और उसे भारत लेकर भी। गीता अक्टूबर 2016 को दिल्ली आई और फिर उसे इंदौर में स्थित एक मुक्त बधिर संगठन में सौंपा गया। साथियों, 15वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता रही सुषमा स्वराज जी का मदद की जरूरत थी। लोगों को मदद के लिए सुषमा स्वराज जी हमेशा तैयार रहती थी। सुषमा स्वराज जी ऐसे लोगों के लिए भगवान के रूप में सामने आई। इनमें से एक मैं नाम लेना चाहूँगा, गीता, जिसे पाकिस्तान से भारत लाने के लिए सुषमा स्वराज जी ने जी जान लगा दी थी। साथियों, पाकिस्तान की एक सामाजिक संस्था में बचपन से रह रही मुक्त बधिर गीता के माता पिता के भारत में होने की जानकारी मिलने पर सुषमा स्वराज जी ने गीता को उसके माता पिता से मिलाने की वादा की और उसे भारत लेकर भी। गीता अक्टूबर 2016 को दिल्ली आई और फिर उसे इंदौर में स्थित एक मुक बधिर संगठन में सौंपा गया। साथियों, 15वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता रही सुषमा स्वराज जी
का लोहा उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते थे। एक बार संसद में खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मैं सुषमा जी की तरह ओजस्वी वक्ता नहीं। सुषमा स्वराज जी को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री बनने से पहले यह दो बार दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र का चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बनी थी। बाद में वह दिल्ली की सियासत से दूर हो गई। साथियों, श्रीमती सुषमा स्वराज जी की कही हुई कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है। हम आतंकवाद की परिभाषा तय करने में उलझे हुए हैं। हमें यह समझना होगा कि आतंकवादियों में अच्छे और बुरे के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। उनका एक और पंक्ति मुझे याद आ रही, दुनिया की सबसे बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान होता तो सिर्फ संवाद से ही है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। अंत में उनकी कही हुई एक पंक्ति और मैं आपको सुना रहा हूँ। एक दूसरे को दोषारोपण करके किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि एक साथ होकर किसी भी समस्या का समाधान होता है। अंत में मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी के की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए मैं अपनी बारी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।